2.0 के निर्माता शंकर ने 3.0 की स्क्रिप्ट क्यों फाइनल कर दी? क्या आजकल रोबोट मंदिरों में पुजारी का काम करते हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। अक्षय कुमार और रजनीकांत स्टारर 2.0 फैंस को काफी पसंद आई थी। फिल्म के आखिरी सीन में फैंस को शंकर और रजनीकांत ने एक तगड़ा सरप्राइज दिया था, पर इंटरनेट की दुनिया में आप ये सरप्राइज वाली बातें कब तक छिपा सकते हैं? तो अब फिल्म का ये शानदार सरप्राइज बाहर आ चुका है। दरअसल जैसे ही फिल्म के आखिरी क्रेडिट्स आते हैं, दर्शकों को झलक मिलती है रजनीकांत के किरदार चिट्टी रोबोट के 3.0 की। अब इसकी खासियत क्या होगी और ये क्या करेगा, ये तो 3.0 फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसका नाम होगा कुट्टी। फिलहाल तो दर्शक कुट्टी के 3.0 के लुक से ही खुश है। हाल ही में शंकर ने 2.0 के सिक्वल 3.0 के बारे में भी बात की थी, लेकिन उस दौरान उनकी बात को किसी ने इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन अब उन्होंने फिल्म के आखिरी सीन से ये साबित कर दिया है कि वो सिक्वल बनाने को लेकर सीरियस है। 2.0 भव्य स्तर पर बनाई गई सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म का बजट 500 करोड़ से ज्यादा का था और ये विश्व की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में 9 नंबर पर है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 800 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जब भाई फिल्म ही इतनी सफल हो रही है तो निर्माता और निर्देशक इसके सिक्वल की योजना क्यों नहीं बनाएंगे? अक्सर मंदिरों में पुजारियों में पुरुषों को देखा जाता है, या फिर किसी किसी मंदिर में पुरुष पुजारियों के साथ महिलाएं भी पुजारी का काम करती हैं। लेकिन जापान के क्वेटो में 400 साल पुराने बौद्ध मंदिर में एक रोबोट को पुजारी बनाया गया है। ये रोबोट बौद्ध धर्म में लोगों की रुचि को जगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिर में रखा यह रोबोट हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता है। इस रोबोट का नाम एंड्रॉइड कैनन है, जो मंदिर में लोगों को करुणा और दया की भावना रखने के लिए ज्ञान की बातें बताता है। साथ ही ये रोबोट मंदिर में अन्य पुजारियों की मदद भी करता है। वहीं रोबोट के बारे में मंदिर के एक पुजारी टेंसो गोटो का कहना है कि ये कभी भी नहीं मरेगा और समय के साथ साथ खुद ब खुद विकसित होता चला जाएगा, और यही वजह इसे खास बनाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि 3.0 का बजट कितना होना चाहिए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है। क्या ये फिल्म 2000 करोड़ की फिल्म होगी?